brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है, मैं वो मुफ्ती चौथे नंबर पे आई, उस वक्त जिस जो लहजा था उमर साहब का वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया। I have not made any remarks about her party and therefore I have nothing to say on this. अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। हमने तो दरवाजा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाजा बंद किया है, लोग इकट्ठे चलते, एक इतिहाद के साथ आगे चलना था हमें, और क्योंकि आपको मालूम है हजारों नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं, बात नहीं आप कर सकते हो, हमारी तो क्या बात, आप जो जर्नलिस्ट हैं बात करते हैं, कितने सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट बंद हैं, हमारे नौजवान बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा ना खासा सड़ रहे हैं, मुसीबत में हैं, मुलाजिम क्या है उसके घर वाले बात नहीं कर सकते हैं, हर हिसाब से देखिए कि एक बहुत ही ज्यादती का माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में हमारा इकट्ठे चलना बहुत जरूरी था, और यही वजह थी कि मैंने बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहां जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहां पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे, ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे, और अगर यही फैसला करना जो उन्होंने किया, अगर उनको लगा, फारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज से बेहतर आवाज हमारे पास लोग हैं जो नुमाइंदे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अकासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था, जो बात कल उमर साहब ने कही ये बात ये आज से 2 महीने पहले कह सकते थे, मुझे फोन कर सकते थे फारूक साहब, उमर साहब मुझे बुलाते, मुझे कहते कि आपने फारूक साहब को जिम्मेवारी रखी है फैसला करने की, हमने ये फैसला किया है किसी वजह से कि आप शायद हमारे लोग बेहतर वहां नुमाइंदे बन सकते हैं, बेहतर तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाज पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमने ये फैसला ऐसा कर दिया है कि आप मत लड़िए, हम सिर्फ लड़ेंगे, तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है, अब तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते, हमारे लोग बेहतर है, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया, तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए, चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा ना, मैं क्या कह सकता हूं इसमें, अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूं उनको। देखिए आप, कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था, पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पर नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पर जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहां से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो हैं उठाए जाएंगे और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फार्मूला इख्तियार हुआ, जहां से हम जीते वहां से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे ज़रूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती।
अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, हमने तो दरवाजा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाजा बंद किया है तो वो